नमस्ते दोस्तों, दूसरे दिन के सेतु अभ्यास में कक्षा 10वीं के क्षेत्र श्रवण पठन लेखन भाषण में मैं अविनाश पटेल आपका स्वागत करता हूं। इसके लिए अपेक्षित कौशल दिया है लेखन। छात्र अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। छात्रों जो है उनसे हमें वार्तालाप करना है, उनको प्रेरित करना है और उनके विचार हमें निकालने हैं। उन्हें विचार व्यक्त करने के लिए हमें प्रेरित भी करना है और उनको प्रयास करने के लिए हमें मौका भी देना है। छात्र साहित्य को समझदारी से पढ़ने और उसका आनंद लेने में सक्षम बनेंगे। संकल्पना है पद्य, तो चलिए देखते हैं। आओ पता करें, मैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, शिक्षक निम्नलिखित उदाहरण की सहायता से विचार विमर्श करेंगे तथा छात्रों को निजी स्तर पर पद्यांश का आकलन करने हेतु प्रेरित करेंगे। यहाँ पे एक पद्य दिया है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इस प्रकार चार पंक्तियां यहाँ पे दी गई है दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पे दिया है, शिक्षक छात्रों को निम्नलिखित कृति के आधार पर कविता का विश्लेषण समझाएंगे। तो यहाँ पे जो कविता दी गई है इसका विश्लेषण शिक्षक को छात्रों को समझाना है। शिक्षक छात्रों को निम्नलिखित कृति के आधार पर कविता का विश्लेषण समझाएंगे। तो यहाँ पे कृति है, कृति हमें सॉल्व करने से पहले इसका इसके बारे में जानना है दोस्तों। यहाँ पे पुलक, पुलक का मतलब है रोमांच और खुशी। पुलक प्रकट करती है धरती, धरती आप लोगों को पता है हरित तृणों की नौकों से। हरित, हरित यानी कि हरी, और तृण, तृण का मतलब है यहाँ पे घास। हरित तृणों की नौकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी, और यहाँ पे जो तरु शब्द है, तरु का मतलब यहाँ पे दिया है दोस्तों, इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है, वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास की नौकों से प्रकट कर रही है। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। तरु मतलब यहाँ पे वृक्ष, वृक्ष के लिए यहाँ पे तरु शब्द आया है। मंद पवन के झोंकों से यानी कि मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं। तो इस प्रकार इसके बारे में हम यहाँ पे बता सकते हैं। इस पर आधारित कृति दी गई है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। तो पद्यांश से पर्यायवाची शब्द हमें लिखने हैं रोमांच, जिसके लिए हमने पहला शब्द देखा था पुलक, उसके बाद वसुंधरा, वसुंधरा के लिए धरती यह शब्द है, वृक्ष के लिए तरु यह शब्द हमने देखा है दोस्तों, और हवा, हवा के लिए यह शब्द हम यहाँ पे देख, पवन के झोंकों से, पवन, हवा के लिए पवन यह शब्द है। उसके बाद दूसरा सवाल है, उपरोक्त काव्य पंक्तियों के पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करके होने वाले परिवर्तन के साथ काव्य पंक्तियाँ फिर से लिखिए। तो यहाँ पे जो हमने अभी ये पर्यायवाची शब्द देखे है उनका उपयोग करके हमें यह फिर से लिखने के लिए कहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों, पुलक की जगह यहाँ पर हमें रोमांच शब्द लिखना है। रोमांच प्रकट करती है वसुंधरा, धरती की जगह पे वसुंधरा, और हरित तृणों की नौकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी, यहाँ पे तरु की जगह हमें वृक्ष शब्द लेना है, मानो झूम रहे हैं वृक्ष भी, और मंद पवन के झोंकों से, और पवन की जगह यहाँ पे हमें हवा यह शब्द लेना है, मंद हवा के झोंकों से। तो इस प्रकार रोमांच प्रकट करती है वसुंधरा हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं वृक्ष भी मंद हवा के झोंकों से। तो इस प्रकार हम उसका, उन शब्दों का उपयोग करके उसके बारे में यहाँ पे नया पद्य भी बना सकते हैं। आओ सक्षम बने में दिया है, शिक्षक इस संकल्पना को दृढ़ करने हेतु सर्वसमावेशक पद्यांश को चुनकर छात्रों के गुट बनाकर पद्य विश्लेषण करने हेतु प्रेरित करेंगे। अभी हमें छात्रों का गुट करना है और उनको उनको हमें इस पद्य का विश्लेषण करने के लिए उन्हें प्रेरित भी करना है। और यहाँ पे पद्य दिया है दोस्तों, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। तो यह चार पंक्तियां यहाँ पे दी गई है और इन चार पंक्तियों की सहायता से उन्हें हमें विश्लेषण करने के लिए, छात्रों को विश्लेषण करने के लिए हमें हमें प्रेरित भी करना है दोस्तों। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा।
कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है और यह रात कितनी शांत है, कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है, सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है, कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस और आनंद का माहौल न हो, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है। तो इस प्रकार इसका हम विश्लेषण बता सकते हैं, छात्रों को भी प्रेरित कर सकते हैं। यहाँ पे सवाल दिया है, शिक्षक छात्रों को ऊपर दिए हुए पद्यांश को सुरताल के साथ गाने हेतु प्रेरित करेंगे। पद्य के संदर्भ में निहित विविध कृतियों द्वारा पद्यांश की विशेषताएं ढूंढने हेतु छात्रों को मार्गदर्शन भी करेंगे। तो इस प्रकार हमें उनको मार्गदर्शन भी करना है। कृति दी है दोस्तों, यहाँ पे पद्यांश में प्रयुक्त विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। तो इस पद्यांश में जो विलोम शब्द आए हैं वह हमें ढूंढकर लिखने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहला शब्द है गंदा, इसके लिए विलोम शब्द आया है। स्वच्छ हम उसका विलोम शब्द लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द है हलचल, हलचल के लिए यहाँ पे निस्तब्ध यह विलोम शब्द हम लिख सकते हैं। और उसके बाद है उषा, उषा के लिए निशा यह शब्द हम लिख सकते हैं। नंबर दो में सवाल दिया है, दूसरी कृति दी गई है चांदनी ऐसी है, तो चांदनी कैसी है उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है दोस्तों। चांदनी की विशेषताएं दी गई है, वहाँ पर पद्य की सहायता से भी हम लिख सकते हैं। चांदनी क्या है? ही स्वच्छ चांदनी है, स्वच्छ यह शब्द हम लिख सकते हैं। उसके बाद गंध ऐसी है, तो गंध कैसी है उसके बारे में लिखना है। स्वच्छंद सुमंद गंध यह हम लिख सकते हैं। दिशा ऐसी है, दिशा जो है निरानंद, तो इन शब्दों का उपयोग हम यहाँ पे उनके वर्णन के लिए कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा सवाल है, उपरोक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे पद्यांश पढ़ने के बाद उसके बारे में जो बताया था उसका विश्लेषण के बारे में वही हम उसके भावार्थ में भी लिख सकते हैं, चाहे आप उसे फिर से सुन सकते हो और वही भावार्थ में लिख सकते हो। आओ अभ्यास करें। में यहाँ पे दिया है दोस्तों, वत्स वृक्ष मेरे हाथ है मत काटो इन्हें, जिन्हें फैलाकर बादलों से पानी मांगती रही सदियों से तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए ग्रीष्म में छाव, शीत में ओढ़ना, बारिश में छाता, सदियों से पीठ पर बोझ लादे हुए हूँ और तुम हो जो मेरे हाथ काट रहे हो। वत्स मत काटो मेरे हाथ जो ताजी हवा, ताजे फल, जड़ी बूटी और जीवन देते रहे तुम्हें। कट जाएंगे यदि मेरे सारे हाथ, उस दिन न पानी मिलेगा अनाज। तो इस प्रकार से इस पद्य में की सहायता से यहाँ पे भी एक पद्य दिया गया है। और सवाल दिया है, शिक्षक छात्रों को उपरोक्त पद्य के आधार पर निम्नलिखित कृतियां करने हेतु प्रेरित करेंगे। यहाँ पे कृतियां दी गई है, उन्हें करने के लिए हमें छात्रों को प्रेरित करना है तथा छात्रों को अन्य विविध कविताओं की सहायता से कविता का आशय स्वयं समझने के लिए प्रेरित करेंगे। तो दोस्तों यह जो कविता दी गई है उसे स्वयं उसका आशय समझने के लिए भी हमें उन्हें प्रेरित करना है। और आसान है, छात्र जब इसे पढ़ेंगे एक दो बार तो उनको उसका आशय भी उन्हें समझ में आ जाएगा। उसके बाद कृति दी गई है दोस्तों, पद्यांश में सूचित प्रमुख समस्या। पद्यांश में कौन सी समस्या यहाँ पे सूचित की गई है, उस समस्या के बारे में यहाँ पे हमें लिखना है। कृति में पहली कृति दी है, पद्यांश में सूचित प्रमुख समस्या। दोस्तों यहाँ पे पर्यावरण की समस्या हमारे सामने रखी गई है इस पद्य की सहायता से। दूसरा सवाल है, वृक्ष इसके हाथ है, तो दोस्तों यहाँ पे हम धरती लिख सकते हैं। यस, धरती के वृक्ष हाथ है, धरती यह नहीं चाहती, ग्रीष्म में क्या नहीं चाहती और शीत में क्या नहीं चाहती, तो उस पद्यांश की सहायता से हम लिख सकते हैं, ग्रीष्म में छाव और शीत में ओढ़ना, बारिश बारिश में ओढ़ना, बारिश में छाता, तो यह हम इसकी सहायता से लिख सकते हैं। वृक्ष हमें देते हैं, वृक्ष हमें क्या देते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों। वृक्ष हमें छाव देते हैं, वृक्ष हमें फल देते हैं, जड़ी बूटी देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, तो ऑक्सीजन भी देते हैं, तो वृक्ष के बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी चीज़ें हमें उनसे मिलती है। आओ सृजन करें में दिया है, पेड़ की आत्मकथा विषय पर निबंध लेखन कीजिए। पेड़ की आत्मकथा इस विषय पर हमें निबंध लेखन करने के लिए कहा गया है दोस्तों। तो इस प्रकार हम पेड़ की आत्मकथा इस विषय पर निबंध भी लिख सकते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे दिया है दोस्तों, पेड़ बचाओ वृक्ष लगाओ इस विषय पर पोस्टर या चित्र तैयार कीजिए।
पेड़ बचाओ वृक्ष लगाओ इस विषय पर पोस्टर या चित्र भी यहाँ पे बनाने के लिए कहा गया है। पूरक साहित्य स्रोत है पर्यावरण और हम राजीव गर्ग द्वारा लिखित निबंध पढ़िए, यह निबंध भी हमें पढ़ने के लिए उन्होंने कहा है। तो इस तरीके से दोस्तों दूसरे दिन की यह जो कृति है लेखन कृति लेखन क्षेत्र पर आधारित यहाँ पे आज हमने समझने का प्रयास किया है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।